हेलो क्रिकेटर्स, आज मैं आऊँ लेग स्पिनर के लिए कि कई लेग स्पिनर्स की ना बड़ी दिक्कत थी कि भाई हमारा हाथ थोड़ा साइड से आता है या थोड़ा सा कान के पास से आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। काफ़ी लेग स्पिनर बड़े ही कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड वो इसलिए हैं कि या तो मतलब होता है ना, उनको सही बताने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे लेग स्पिनर हैं ना तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। लेग स्पिनर है ना तो उनको ये समझना पड़ेगा, अगर वो नहीं समझेंगे तो बात बनने वाली नहीं है कि आपका हाथ एक्चुअल में आना कहाँ से चाहिए। अब कई लेग स्पिनर नेचुरल होते हैं, जैसे आपने देखा राशिद खान हो गए अपने, और उनका थोड़ा सा कान के पास से आता है, और अपना ये बिश्नोई हो गए कान के पास से आते हैं, शेन वॉन हो गए बहुत ज़्यादा साइड आर्म एक्शन, साइड ऑन एक्शन मतलब साइड आर्म आता है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी बॉलर्स हैं इनके थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे अमित मिश्रा है तो बिल्कुल शोल्डर की लाइन से हाथ आता है, और चहल का भी शोल्डर की लाइन से आता है, और काफ़ी बॉलर्स इस कारण कन्फ्यूज रहते हैं कि हम एक्चुअल में अपना हाथ कहाँ से लाएँ, जो हम लेग स्पिनर हैं अपना हाथ कहाँ से लाए। तो इसी कारण ये छोटी छोटी दिक्कत के कारण जितने भी लेग स्पिनर हैं ना जो कंफ्यूज्ड रहते हैं तो उनको बॉलिंग करने में दिक्कत रहती है, वो उनकी बॉलिंग में बैरियर्स का काम करते हैं, ऐसे थॉट्स ऐसी थिंकिंग। तो गाइस मेरा जो सॉल्यूशन ना आपके लिए पता है क्या, अब आप देख भी रहे हैं मैं बॉल डाल के आपको दिखा रहा हूं, और ये जो भी जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कितना कूल है, कितना काम है, एकदम परफेक्ट सब चीज़ें हो रही है। तो ये आपने समझना, अगर आप बॉलर हैं तो सबसे पहले अगर बेसिक्स की बात की जाए, जो आपका आर्म है ना शोल्डर की लाइन से चलना चाहिए, चाहे कोई स्पिनर हो कोई फास्ट बॉलर हो, ये परफेक्ट रहता है। बट अगर किसी बॉलर का जो आर्म है थोड़ा सा साइड आर्म है, थोड़ा कान के पास है, पास से आ रहा है नेचुरली, और फिर भी वो बड़े इफेक्टिव है, तो उन्हें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं भी जब अंडर 14-15 था ना तो मैं गुगली बहुत डालता था, मतलब तीन तीन तरीके से गुगली डालता था, तो उसमें मेरा हाथ ना काफ़ी कान के पास से आने लग गया था, तो मुझे लेग स्पिन अच्छा होता था, बाउंस होता था, बट लेग स्पिन थोड़ा सा कम होता था, बाउंस बहुत होता था, और गुगली बहुत ही शानदार होता था। और अगर मेरी अर्ली एज की बात की जाए तो मेरा बहुत ज़्यादा साइड आर्म था, तो बड़ी चीज़ें मैंने सीखी है, बड़ी लर्न की हैं, तो मुझे एक एक चीज़ का ना बड़े अच्छे से पता है, तो मैं अच्छे से समझता हूँ उन चीज़ों को। तो इनमें आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, आपने ना अपना एक मैच्योरिटी का लेवल को इंक्रीज़ करना है, आपका जो आपका कम्फर्ट जोन है ना उसी तरह से बॉल डालने कोशिश। लेकिन बेस्ट पता क्या रहेगी, अगर आपका आर्म सीधा रहेगा ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो आपकी एक्यूरेसी के लिए भी बेस्ट रहेगा, और वो आपकी लेग स्पिन के लिए भी बेस्ट रहेगा। और वहाँ से अगर आप कोई भी वेरिएशन करते हैं ना, तो जो बैट्समैन है ना उसको आसानी से रीड नहीं होगा कि बॉल मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं है एक्शन में। काफ़ी लेग स्पिनर होते हैं उनका कान के पास से आ रहा, तो उनका लेग स्पिन कम होता है आम ज़्यादातर परसेंटेज आपने देखी होगी। और जो काफ़ी लेग स्पिनर साइड आर्म होते हैं तो उनका लेग स्पिन बहुत अच्छा होता है, गुगली बहुत ही कम होता है, तो कहीं कहीं परसेंटेज रहती है। बट आपने पर जो बेसिक चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही करनी है, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, और वो आपने समझना है। देखिए आपको ना फ़ायदे बता देता हूँ, जिनका बॉलर्स का हाथ ना लेग स्पिनर का हाई आर्म रहता है, थोड़ा सा कान के पास से आता है, उनको पता है एक्स्ट्रा बाउंस एक्स्ट्रा परचेस मिलता है, और उनको टॉस स्पिन अच्छा मिलता है, और बात की जाए ना तो उनकी फ्लिपर बहुत ही अच्छी होती है, उनकी गुगली बहुत ही अच्छी होती है, जिनका कान के पास से या बिल्कुल स्ट्रेट आर्म हाथ होता है, स्ट्रेट आर्म लिटिल बिट द शोल्डर साइड एंड बिल्कुल कान के पास से, जो बिल्कुल कान को टच करते हुए आता है, ये समझना है आपको। और कोशिश ये करनी है ना कि स्ट्रेट आर्म रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा साइड आर्म किसी का नेचुरली आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बड़ा रोटेशन मिलता है, बड़ा स्पिन मिलता है, थोड़ा साइड आर्म से आपको हेल्प मिलता है एक्स्ट्रा स्पिन के लिए। तो ये चीज़ है ना आपने समझने की, आपके लिए बेस्ट क्या, आपका नेचुरल रिदम क्या है, और आप कैसे कि अगर कोई भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं वो आपको सूटेबल हो रही नहीं हो रही, आपके रिदम को मैच कर रही नहीं कर रही, और आप कितना जुझारू है डिपेंड करता है। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि उनके लिए ना कोई चीज़ ना मतलब होता है सूटेबल नहीं भी करती, बट उनको लगता है मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो उसको सोचते हैं कि मुझे करके ही मानना है। तो ये एक अलग चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें अलग है, तो हर प्लेयर के सोचने का तरीके के हिसाब से चीज़ें तैयार होती है कि आप कितने मेंटली टफ हैं, और हर प्लेयर का ना जो टैलेंट है वो डिफरेंट है। तो आपको वो चीज़ समझनी है, आपने अपनी बॉलिंग के रिदम को समझना है, आपने अपने आप को समझना है, आपने अपनी बॉलिंग की स्किल्स को समझना है, उस टैलेंट को समझना है, उस हिसाब से आपने स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, ताकि आप एक अच्छा काम अंजाम दे पाएँ एज ए लेग स्पिनर, और आप इम्प्रूवमेंट की दौड़ में आगे बढ़ें, और एक अच्छी क्रिकेट के लिए कैपेबल रहें। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको ना ये जो समस्या थी साइड आर्म स्ट्रेट आर्म और ये कान के पास से जो हाथ आता है, अब ये काफ़ी लोगों को ना पता लग गया होगा कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बॉयज़ ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बॉयज़।